बाहर तो लड़कियां आई हैं, वो जो टीवी पे नहीं आती। और टीवी पर तो सैकड़ों लड़कियां आती हैं। नहीं, वो न्यूज चैनल पे आती हैं। भाई वहां भी काफी बच्चियां हैं जो काम करती हैं। नहीं जी, वो जो टीवी पे आके नहीं, जो अच्छी भली गम की खबर होती है उसको भी हंस हंस के बता रही होती हैं। आज पेशावर में 40 बंदे मर गए और 3 जख्मी हो गए। वो आई, ऐसे कोई न्यूज कास्टर नहीं करती जो तुम कर रहे हो। हाँ। जाओ बोला कर लाओ। वो एक अपना नाम एनी बताती है और एक पता नहीं। वो तुम्हें नाम से क्या? नबी हाय जहाज मेहमान है वो। जी जी जी, बोला कर लाओ। आइए, ये देखिए। बड़ी खुशी हुई बेटा आप यहाँ आई, हम आपको वेलकम करते हैं। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या क्या मेहमान है? क्या हाल है, ठीक ठाक है आप? जी जी, आपको देख के बड़ी खुशी हुई। आपको देख के हमें भी डबल खुशी हुई। बड़ी मेहरबानी। क्या क्या एक क्या स्यापा बन गया है? किस बात का? मेहमान दो हैं हमारे घर में, आम एक है। तो उन्होंने कहा है कि हमने आम खाने। तो तकसीम कैसे करूंगा आगा जी? हाँ याद आ गया, आपको मिल्क शेक बना के पिलाता हूँ, ठीक है? आम थोड़ा सा दूध और इतनी सारी बर्फ। ये किचन इंचार्ज है बेटा। अच्छा बेटा, आपका नाम नबीहा इजाज जी और आपका नाम एनी जी। आप कितने अरसे से खबरें पढ़ रही हैं? बारी बारी बताएं। मुझे तकरीबन 5 साल हो चुके हैं। 5 साल? 5 साल हो चुके हैं। और आपको? मुझे भी तकरीबन 5 साल हो चुके हैं। हमने एक साथ ही आगाज एक किया साथ था। अच्छा अच्छा, आप बताएं कि कभी खबरें पढ़ते हुए कोई ऐसी बदहवासी हुई हो कि उसको मैनेज करना मुश्किल हो गया? ये वैसे अक्सर औकात, क्योंकि 5 सालों में कई दिन ऐसे आते हैं जब अच्छा। आप अपने हवास को बैठते हैं। अच्छा। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, कभी पर्सनल लाइफ में होती हैं, कभी न्यूज रूम के एनवायरनमेंट की वजह से हो जाती हैं। अच्छा। तो काफी सारी इस तरह के वाकयात हैं। मेरे ख्याल फनी न्यूज आ जाती है, हंसने वाली मसलन, या मतलब कुछ भी कुछ ऐसी वर्डिंग होती है तो हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो एकदम से जब हंसी आती है तो उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा। तो वो फिर काफी मुश्किल हो जाता है ना बिया के साथ। मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, मैं हंसी बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। अच्छा। बल्कि एक आध बार मैं ऑनर हंस भी पड़ी, उसके बाद क्लास भी हुई है मेरी उसके बाद। अच्छा, तो जब हंसी आती है तो उसको कंट्रोल करती हैं। मूड अच्छा ना हो और खबरें पढ़नी हो तो मूड के मुताबिक खबरें पढ़ती हैं या फिर एक्टिंग करके पढ़ती हैं? एनी बताएगी पहले। थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ती है इस पे। हाँ, समटाइम ऐसा होता है कि आपका मूड ठीक नहीं होता, आप घर से ऐसे आ रहे होते हो बड़े डल से, डाउन से होते हो, मूड खराब होता है, मतलब थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ती है। अच्छा। अगर एंटरटेनमेंट की है और हंसने वाली खबर है तो हम लोग बड़े हंस के जी इस तरह से, और अगर क्राइम की है या किसी की मर्डर की खबर है तो उसके लिए हमें आवाज भी थोड़ी धीमी करनी पड़ती है और हमें खुद को भी थोड़ा सा मतलब डिफरेंट होता है। हाँ, अफसुर्दा करना पड़ता है। स्पोर्ट्स के लिए अलग को लेकर चल रही होती है, समटाइम हम अच्छे मूड में आए होते हैं लेकिन खबर इस तरह की होती है कि वो हमारे मूड पे इतना इफेक्ट कर जाती है। जिस तरह मेरे साथ 2 बार इस तरह की चीजें हुई हैं, एक बार APS का वाकया था पेशावर में बच्चों का। अच्छा। तो मेरे ख्याल से वो तो सिर्फ जो लोग घर बैठे भी यानी उस खबर को देख रहे होंगे वो भी रो पड़े थे। और ये लास्ट टाइम बहुत ही रिसेंट हुआ है, ईदी साहब की जनाजे की खबर जो हमने देखी और जिस तरह से उनको लहर में उतारा गया, जब हमने वो सारा पढ़ा देखा तो वो इमोशंस कंट्रोल करना उस टाइम पे बहुत मुश्किल होता है। अच्छा। जब अच्छी खबरें होती हैं, हंसने वाली होती हैं तो हम लोग उसको उतना एंजॉय करके पढ़ते हैं। न्यूज़कास्टर और एंकर में क्या फर्क है? न्यूज़कास्टर हम लोग को सिर्फ न्यूज करते हैं और जो एंकर होते हैं वो प्रोग्राम भी करते हैं, स्पेशल सीनियर होते हैं वो। हम लोग एक स्क्रिप्ट के थ्रू हमारे पास जो खबर आ रही होती है हम सिर्फ वो करते हैं, लेकिन जो प्रोग्राम एंकर होते हैं उनकी अपने टॉपिक्स होते हैं, उनकी अपनी सजेशन होती हैं, उनकी अपनी ओपिनियन होती है, वो उसको लेके चलते हैं। तो आपको जो फैंस मिलते हैं वो ये फरमाइश करते हैं कि खबरें सुनाओ? खबरें सुनाने की फरमाइश नहीं करते हैं, जिस तरह अक्सर सोशल मीडिया पे काफी तरह की फरमाइशें काफी डिफरेंट डिफरेंट तरह की आती रहती मसलन? है। मतलब कि कोई अक्सर जो फैंस होते हैं वो कह देते हैं कि आज आप स्माइल करके बहुत मुस्कुरा के खबरें पढ़े। अच्छा। या मुझे अक्सर फीडबैक आता है कि आज आप मुस्कुरा नहीं रही हैं या आप आज थोड़ी सी उदास लग रही हैं, तो क्या वजह है, मुस्कुरा के खबरें पढ़े।
इस तरह की फरमाइशें आती रहती हैं। कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं, कहते हैं हमारा नाम अनाउंस कर दें ऑन एयर, जो कि बिल्कुल एक पॉसिबल चीज ही नहीं है। आपकी शादी हो चुकी है जी, आपकी मंगनी हुई है जी, आपको टीवी पर देखकर वो जो हमारे दामाद हैं जी उन्होंने पसंद किया था या नहीं? नहीं, टीवी पे देख के नहीं, वो तो न्यूज देखते ही नहीं है। सादा ही देखा था। हाँ, बस सादा ही देखा था, न्यूज बनी उनको एक, इवन जब मेरा मेकअप किया हुआ होता है न्यूज वाला, तो वो भी पसंद नहीं है, तो वो उन्होंने कभी इस तरह से न्यूज देखी नहीं है। ये मिल्क शेक है, गड़बड़ हो गई फिर क्या? आम रखे थे मैंने ठंडे करने के लिए, हाँ। आम बबली खा गया, पानी ठंडा में ले आया हूँ। चलो रख दो यहाँ और कोशिश करो ये चाय बनाओ, ये बच्चे चाय पिए जी। ठीक है, ठीक है। अच्छा एक बात तो बताएं आप, मैंने कहा था कभी कोई न्यूज कास्टर मिलेगी तो उनसे बात जरूर करूंगा, आप अच्छी भली खबर को हंस हंस के क्यों पढ़ती है? चार बंदे मर गए, एक बेचारा जख्मी हुआ, दोनों की टांगे टूट गई, कितना मजा आया। ऐसी कोई खबर, ऐसी कोई खबर नहीं होती, मैंने खुद देखा। ये अहमकाना खबरें तुम ही पढ़ सकते बेटा, मेहमान आए। नहीं वो इसी तरह पढ़ती हैं, ये देखिए अभी चले खबर पढ़े, आप ये खबर पढ़े कि हमारे आगा जी बड़े अच्छे आदमी हैं, ये लंदन से आए हैं, सीरियस होके पढ़नी है, चले पढ़े पढ़े जी। मैडम ये इत्तला है, ये खबर नहीं। चले ब्रेकिंग न्यूज, लेकिन सीरियस होके। खबर तो आपके ऊपर बनती है वैसे तो। चले मेरे पे भी, लेकिन सीरियस असला नहीं। चलो पढ़ दो भाई। इस ब्रेकिंग न्यूज है, हम आए मेहमान बन के आगा जी के घर पर, और वहाँ पे जो उनके खास खास देख ले सीरियस होके बिल्कुल ऐसे कहने, आगा साहब आज लंदन से और इस वक्त हमारे सामने बैठे हैं। ऐसा करिए आप सीरियस होके कोई न्यूज पढ़ के सुनाएं। ये जो एनी है ये बहुत अच्छी लड़की है, इसकी कच्ची में कंपाड़ आई थी और फिर आला तलीम हासिल करने के लिए जड़ा वाला गया तो आइए बात करते हैं नबीहा इजाज से जी। ये रिपोर्ट एक एंकर लग रही है। सीरियस मैं नहीं, इससे ज्यादा सीरियस तो मैंने अपने बाप की फौतगी की खबर नहीं सुनाई थी। मेरी बात सुने, ये बहुत रिपोर्ट स्टाइल हो गया। हाँ। ये न्यूज़ चले आप सुनाए सीरियस होके, हंसना नहीं। क्या कोई खबर बताए ना? खबर ये है कि इमरान खान साहब और मियां साहब की सुलह हो गई। ये तो अच्छी खबर है, ये तो मुस्कुरा के भी सुनाएंगे। मुस्कुरा के भी सुनाएंगे। नहीं नहीं सीरियस होके बतानी है। नहीं नहीं सीरियस नहीं, मैं तो बहुत मुस्कुरा के सुनाऊंगी। मियां साहब और इमरान खान की सुलह हो गई, अब हमारा काम कैसे चलेगा? नहीं सीरियस खबर है ही नहीं। चले जो आपका दिल चाहता ना, सीरियस हो बस, चेहरे पे स्माइल लाओ, वो सुनाए। ऐसी कौन सी खबर हो सकती है? देखो बेटा, उनको जिस नौयत की खबर मिलती है हाँ जी, उसी अंदाज में वो पढ़ देती। लेकिन सर बॉम्ब वाली खबर तो हंस के ना सुना है। कौन खबर हंस के पढ़ता है उनके सामने? हम यहाँ पे हंसने आए हैं, अच्छा टाइम गुजारने आए हैं, आप मेरे की खबर लेके आ रहे हैं। वैसे आपकी आवाज भी ठीक है, लेकिन आपकी आवाज बहुत अच्छी है। आपकी आवाज ना मेट्रो बस से आती है, अगला स्टॉप गाजू माता।